जी, कई लोग अक्सर तिलक लगाते हैं पूजा पाठ के बाद, और लेकिन तिलक लगाने का सही नियम क्या है और कब कब लगाना चाहिए तिलक? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। तिलक शब्द जो है वह चंदन है, यानी माथे पर यदि आपका चंदन है तो समझ जाइए कि आपका सबसे पहले दिमाग शांत रहेगा, और चंदन लगाने से आपके दिन भर का किया हुआ पाप समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने मस्तक पर, अपने भाल पर तिलक लगाना अति आवश्यक है। अब तिलक कैसे लगाएं, ये सवाल उठता है कि आखिर हम तिलक कैसे लगाएं। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो मस्तक पर त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड लगाएं ऊपर खींच करके, और जो शैव हैं वो त्रिपुंड लगाएं, और जो शाक्त हैं वो लाल चंदन मस्तक पर सीधे खड़ा करके लगाएं। और तिलक लगाते समय विशेष ध्यान रखें, यदि आप ब्राह्मणों से तिलक ले रहे हैं तो ब्राह्मण जब भी तिलक लगाएंगे आपके पीछे तरफ बायां हाथ रहेगा, और दायां हाथ के अंगूठा अनामिका मध्यमा से ही तिलक लगाना चाहिए। और तिलक लगाते समय यदि आपके पंडित जी या आपके पुरोहित जी पीछे तरफ नहीं लगाए हाथ, तो आप अपना हाथ, अपना दाहिना हाथ आप अपने चोटी के पास रखें और तिलक लगवाएं, तो ये आपके तिलक का शुभ अच्छा लक्षण रहेगा, और उस तिलक से आपको फायदा होगा। क्योंकि कहा गया है, तिलकम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम। आपका शरीर पूरा पवित्र रहेगा और आपके दिन भर का किया हुआ जो पाप है वह समाप्त हो जाएगा। तिलकम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। आपका जो आफत विपत है उसका हरण होगा और लक्ष्मी आपके पास सदैव निवास करेगी। आपका कभी आफत विपत नहीं आ सकता है, इसलिए मस्तक पर तिलक होना अति आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस देवता का पूजा करते हैं उसी हिसाब से, जिस मंत्र से आप दीक्षित हैं वैसे ही तिलक आप निश्चित रूप से लगाएं, आपका कल्याण होगा।